हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल कुक विद दुर्गा। और आज हम बनाने वाले हैं बैगन की सूखी सब्जी। और ये देखिए कैसे पीसेस में बैगन कट हुआ है, वैसे हम लोग सेम टू सेम पीसेस में कट करके फिर इसके बाद हम इसमें एक बड़ा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और फिर थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक छोटी चम्मच हल्दी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन और मिर्ची का पेस्ट एक बड़ा चम्मच। फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता थोड़ा सा। फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर एक छोटा चम्मच। फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे आमचूर पाउडर एक बड़ा चम्मच। और अब हम इसे हाथों की मदद से पूरा अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में एक घंटी का निशान दिया होगा तो प्लीज़ उसे एक बार क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी न्यू वीडियो है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए और आप उसको देख के बना सकें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और ये देखिए पैन हम लोग ने गर्म करके रख लिया। फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे ऑयल, ऑयल रख देंगे गर्म होने के लिए। ये देखिए गर्म हो गया, तब हम इसमें डालेंगे चाट पत्ता, 4 से 5 पत्ता इसमें हम डाल देंगे। फिर उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे राई एक छोटा चम्मच। देखिए ये पत्ता है, उसे ब्राउन कलर का हल्का सा कर देंगे। फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे, आपको जितना तीखा चाहिए उतना आप मिर्ची डाल सकते हैं। इसमें हमने डाला है 2 बड़ा मिर्ची, वो भी छोटे छोटे बाइट करके। फिर उसे चला लेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा स्प्रिंग ऑनियन छोटे छोटे बाइट में कट करके। फिर ये स्प्रिंग ऑनियन डालने के बाद फिर इसे हम चला लेंगे और थोड़ा इसे ब्राउन कलर होने तक इसे फ्राई करेंगे हम, वो भी फ्लेम कम होगा इसका। और ये देखिए ब्राउन कलर का हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो बैगन और मसाला के साथ में जो हमने मिक्स किया था स्टार्टिंग में, वो पेस्ट इसमें हम डाल देंगे। फिर उसके बाद इसे चला लेंगे अच्छे से। और ये 2 मिनट बाद फिर उसके बाद हम इसे एक बार और अच्छे से चला लेंगे। देखिए अच्छे से ये पक गया है। तो अब हम इसमें मसाला डालेंगे और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला एक छोटी चम्मच। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर एक छोटी चम्मच। देखिए अब इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे मसाला सब। और ये बहुत ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी बनने वाला है। इसे हम चावल के साथ खा सकते, रोटी के साथ खा सकते, जैसे पसंद वैसे खा सकते। और इसे हम थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना। और ये देखिए ये मसाला भी पक गया है। तब हम इसमें डालेंगे टमाटर एक बड़ा, टमाटो ले लेंगे उसे छोटे छोटे बाइट में कट करके इसमें डाल देंगे। और सब्जी को साइड करके उसके अंदर जो हमने राउंड शेप करके उसके अंदर टमाटो डाला, उसमें हम डाल टमाटो को मैश कर लेंगे। फिर उसके बाद उसके ऊपर ऐसे देखिए सब्जी ऊपर कर देंगे, दिखने में बहुत मज़ेदार दिख रहा है। और इसके ऊपर हम प्लेट रख देंगे ताकि अच्छे से पक जाए, इसका फ्लेम कम ही होगा। और ये 3 मिनट तक हम इसे अंदर रखेंगे, फिर उसके बाद इसे हम निकाल देंगे प्लेट को। और ये अच्छे से टमाटो भी पक गया है, अब इसे हम चला लेंगे अच्छे से, दोनों मिक्स कर देंगे। और ये देखिए ये हो गया है। तो अब हम इसमें गार्निश करने के लिए पहले से हमने कोरिएंडर मतलब धनिया पत्ता रख लिया था, अब इसके ऊपर गार्निश कर देंगे।
गैस बंद करने के बाद इसे मिक्स कर देंगे, इसे पकाना नहीं है। और ये देखिए आज का हमारा रेसिपी तैयार है, बैंगन की सूखी सब्जी, और ये बहुत ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी बना है। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, मेरी मानिए बहुत ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी बनेगा, आप एक बार ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा। और ये देखिए हमने सर्व कर लिया, बहुत ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी बना है, और आप भी ट्राई कीजिए। मिलते हैं अगले।